जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत दिल को छू लेने वाला सत्संग है। ये सिंगल मदर हैं आंटी, सत्संग सुनने के बाद आपको गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स फील होंगी संगत जी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। लास्ट तक सुनिएगा सत्संग को। सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी के इस प्यारे चरण पर जम्मू से आंटी जी ने, मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मैं अपने गुरु जी का करती हूँ जिसने मुझे अपने चरणों में मिलाया और रखा। मैं 2022 में गुरु जी से मिली थी, एक आंटी के घर गई गुरु जी, ऐसे ही चली गई, थोड़ी स्किन प्रॉब्लम थी तो खाना शाना खाया। जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो रितु आंटी हैं वो, उन्होंने मुझे बोला उनके हस्बैंड ने कि इनको मत्था टेक के जाओ। तो मैंने भी ऐसे गुरुजी टेक लिया मत्था टेक के, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कौन है गुरुजी, कैसे हैं, क्या है। मैंने मत्था टेका और चली गई। फिर मेरे दिन में ऐसे मैंने उनके थोड़ा सा सत्संग सुनने लगी। फिर मेरे दिन में आया कि मैंने बोला, उनको फ़ोन किया मैं गुरुजी का, नीतू आंटी आपके पास गुरुजी का स्वरूप मुझे दोगे? बोला हाँ मेरे पास है तो ले जाना। आस्ते आस्ते ऐसा हुआ कि आज ले जाऊंगी कल ले जाऊंगी, तो नहीं ठीक थी नहीं जा पाई। एक दिन शाम को चली गई, दीपावली थी तो मैं ले आई उसके एक दिन पहले, दे दिया मैंने गुरुजी को स्वरूप बनाया। दीपावली वाले दिन शाम को मैंने वो स्वरूप अपने घर लाया, ला के रखा। मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते, बस मैं वही जोत वगैरह जगाऊँ। बस ऐसी प्रॉब्लम बन गई कि मैं जोत भी नहीं जगाने लगी। गुरुजी ने मुझे ऐसे रास्ते दिखा दिए कि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई गुरुजी। कोई डॉक्टर जम्मू का नहीं मैंने छोड़ा, कुछ नहीं किया। फिर मैं दवाइयाँ भी खाती रही, गुरुजी के सामने बोलती रही गुरुजी क्या है, कोई गलती हुई है, कुछ हुआ है मुझे, जब इतनी प्रॉब्लम है एकदम से कैसे आ गई। दिखाती रही डॉक्टर को, दिखाती रही, नहीं हुआ समझ। चली गई मैं लुधियाना चली गई, वहाँ थोड़ा सा पता चला क्या चीज़ है क्या नहीं था। यहाँ इस डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला एक्सरे स्कैन करवाओ, उसमें पता चलेगा आपको क्या है। जय गुरु जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया मेरे को क्या था क्या नहीं था। फिर यहाँ के पता चला मुझे कैंसर था गुरु जी। मेरी एक छोटी बेटी है, मैं सिंगल मदर हूँ। गुरु जी ने मुझे अपना हाथ ऐसे पकड़ाया, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या करना है, मैंने कैसे रहना है, मेरे को कौन दिखाएगा, मेरा कोई नहीं था एक बेटी के बिना। 13 साल की एक छोटी बेटी थी, एक मेरी बहन बनी हुई थी ऐसी, उनके साथ जाती थी वो ले जाते थे, कोई मेरा उसके साथ ब्लड रिलेशन नहीं था। गुरुजी कुछ नहीं था, मगर गुरुजी ने उनको ऐसा सोर्स बनाया मेरा, उन्होंने मुझे एंड तक मेरा साथ दिया, गुरुजी बन के मेरी सेवा की, सब कुछ किया। 4th stage पे थी मैं, आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी के से मैंने, मुझे कुछ आज भी नहीं पता चलता मेरे से कितनी गलतियां हो जाती हैं गुरु जी के आगे, कि मैं कभी फिर माफी मांग लेती हूँ। गुरुजी मुझे अभी इतना नहीं पता है, मगर गुरुजी मेरे साथ है 24 घंटे, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, हर वक्त मैं उन्हीं को पुकारती रहती हूँ। गुरुजी मेरे को रास्ता दिखाना, आगे भी अगर मेरे से गलतियां भी हो मुझे माफ करना। आज ऐसे ही मन कर रहा था मेरा कि मैं भी बात करूं,
अभी मैं ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हूँ मैं। अब काम पे भी जाती हूँ, 1 साल बिल्कुल नहीं गई काम पे, कुछ नहीं किया। मगर गुरु महाराज ने मेरा हर सिलसिला ठीक करवाया। कहाँ से करवाया, क्या करवाया, मुझे खुद पता नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अंतिम शुक्राना गुरु जी।